এবার পূজয় মাতাল ইফতিজারদের রুখতে করা দাওয়াই কাছাড়ের পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে সম্পন্ন হলো অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড গ্রুপের অন্তিম প্রশিক্ষণ। और मैं एक पुलिस वाला उठिया तो ये पंच मुझे कर रहा, मैं इसको पकड़ने गया, ठीक है, ये पंच कर रहा, चलो पंच, ये देखा यहां से क्या करना, ये हाथ को धीरे से लेना, छोड़ दो, ये हाथ को धीरे लेना और इसको क्या करना, यहां से घुसाना और ये 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 देखा देखा ये लॉक है, यह जितना हिलेगा वो क्या होगा, आप आराम से इसी उसको लेके आ सकते हैं, लाके उसको मारो, यहाँ से ये क्या किया, किसको जाना है, ये 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 अगर वो दम दिखाता है, हाँ दम दिखाता है तो क्या करना है, अगर उसको लीलाउन कराना है, लीलाउन करना है तो क्या करना है, ये लीलाउन 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 ये चल ले 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 ये ये মাতা লিফটিজার যুবকদের জন্য করা পুলিশ বিভাগ এবার পূজোয় রোমিওদের শায়েস্তা করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে কাছাড় পুলিশ। এদের জন্য গঠন করা হয়েছে অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড। কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো জানান, পূজোয় সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য সমস্যা তৈরি করলে উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের কড়া হাতে দমন করা হবে। তিনি বলেন, অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে, তাতে 20 জন পুলিশ কর্মী রাখা হয়েছে, এদের মধ্যে 12 জন মহিলা ও 8 জন পুরুষ পুলিশ কর্মী। পুলিশ সুপার বলেন, এবার পূজোয় মহিলা দর্শনার্থীদের আসা যাওয়ায় বিশেষ নজর রাখা হবে, মহিলাদের সুরক্ষায় বেশি সংখ্যায় মহিলা পুলিশ মোতায়েন করা হবে। তিনি আরও বলেন, মদ্যপান করে কেউ অশান্তি সৃষ্টি করলে তাকে পুলিশ ছেড়ে দেবে না, কারণ সব কিছুর পর যাতে কোনো অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় সেদিকে পুলিশ খেয়াল রাখবে। हैं और महिलाओं के ऊपर गलत व्यवहार करते हैं, बच्चों के ऊपर गलत व्यवहार करते हैं, तो इसके तहत हम लोगों ने एक स्क्वाड बनाया है जिसको हमने नाम दिया है एंटी रोमियो स्क्वाड। तो इस स्क्वाड को हम लोगों ने, जो हम लोग स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, हम लोगों ने मंगवाए हैं, उन लोगों से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और इन लोग को हम ब्रीफिंग कर रहे हैं, बिहेवियर कैसे कर सके, कैसे अच्छा से व्यवहार कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ट्रेनिंग देते हुए ये लोग को क्या है कि आने वाले जो पूजा के टाइम माहौल है, इसमें कई महिला के ऊपर कोई गलत व्यवहार ना हो, किसी लड़की के ऊपर कोई गलत व्यवहार ना, किसी बच्चे के ऊपर कोई गलत व्यवहार ना हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। और हम लोगों ने यही इसी मकसद से ये हम लोगों ने ये स्क्वाड बनाया है और हम लोग जो यहाँ के जो पब्लिक है सबसे हम ये कोशिश करेंगे और हम करेंगे कि वो लोग अमन शांति से रहे, पूजा अच्छे तरह एंजॉयमेंट करें, क्योंकि ये पूजा सबके लिए है, सबके लिए। इस टाइम में अगर कोई गलत चीज़ें हो जाता है तो सबके लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने सब पब्लिक से भी हम चाहेंगे कि सब हमको कोऑपरेट करें, हम प्रशासन अगर हम हैं तो हम आपके लिए हैं,
आपकी कार्रवाई आपके अच्छे के लिए है, आपको अमन शांति के लिए हम लोग हैं, तो हम हमेशा 24 आवर्स आपके लिए तैयार है। और जो स्पेशल स्क्वाड बना है, हम कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं, पर्टिकुलरली जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, इनके ऊपर कोई गलत व्यवहार ना करें, और ऐसा होता है तो इमीडिएट रेस्क्यू के लिए ये टीम हमारे तैनात रहेगा पूरे पूजा के दौरान। और उसके ये हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम कोशिश कर रहे हैं, और इसके बाद में अगर ये हम सक्सेसफुल रहा देन वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कंटिन्यू इट। शुरू होगा पूजा, जो पहले दिन पूजा है उसी दिन से ये टाउन में 24 आवर्स ये लोग रहेंगे, तो ये लोग का तब हम डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 12 लड़कियाँ हैं और इंक्लूडिंग ऑफिसर्स हैं, 12 लड़कियों में हमारा ऑफिसर्स भी हैं और 8 जेंट्स हैं, तो इसका एक हमारा स्क्वाड बनाया है। और सबको हम लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर का भी क्लास लिया है, इन लोग का यूसी क्लास भी लिया है, और हम चाहेंगे कि आप लोगों का भी सहयोग हो। और हमारा जो मकसद है, ये मकसद हमारा जो इसको आप लोगों ने आपके थ्रोडी हम आप लोग पब्लिक तक पहुँचाइए, हम पब्लिक का भी अनुरोध करेंगे कि हमको आप लोग सहयोग करिए, आपके भलाई के लिए हम लोग करेंगे कुछ भी हो। वी आर देयर फॉर 24 आवर्स फॉर योर सर्विस, तो हम आपसे ये सहयोग आपसे हम चाहेंगे। जिनको ये लोग पकड़ेंगे इनके नहीं देखेंगे, उसमें जो भी है उसमें कॉग्निजेंस रहेगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली केस होगा, अगर कॉग्निजेंस नहीं होगा तो उसके ऊपर केस नहीं होगा। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी का मतलब किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ आईनी कार्रवाई हो, हमारा मकसद ये है एक प्रिवेंशन है, ऐसा ना हो जिला में, ना हो एक भी घटना ना हो तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। और कोई ऐसा लोग होते हैं जो मतलब इतना बावजूद भी कोई गलत व्यवहार, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गलत व्यवहार अगर करते हैं और महिला के ऊपर कोई जाति होते हैं, तो हम उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके उस मामले में हमारे सरकार जो है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा हम लोग सक्षम है और वी आर रेडी 24 आवर्स कि कोई गलत चीज़ें होगा महिला और लड़की और बच्चे के ऊपर, इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होगा। सर इस खबर देना चाहे हम उसको, हमारा जो कंट्रोल रूम है, हम लोगों ने अभी बोर्ड लगा रहे हैं पूरा यहाँ पे सिटी में, जो ट्रैफिक कंजेशन का ऊपर में भी हमने जो किया है, हमारा पूरे टाउन में हमारा बोर्ड लग रहे हैं, आज से लग रहे हैं बोर्ड, तो इसमें हमारा कंट्रोल नंबर रहेगा, कंट्रोल रूम में नंबर, और हमारा OCIC का नंबर तो है सबको पास, हम सर्कुलेट कर रहे हैं। और हर जगह पे जो हमारा कंट्रोल रूम रहेगा, यहाँ पे 4 टावर भी बन रहे हैं, हर जगह पे हमारा नंबर डिस्प्ले होगा, किसी भी किसी के आदमी को हमारा फ्रॉम SP टू कांस्टेबल जो भी है नंबर, मतलब वो फ़ोन कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। ब्यूरो रिपोर्ट, तरंग TV, बांग्ला।